रेलवे अपने सिग्नलिंग सिस्टम को संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील मानते हुए इस पर अत्यंत गंभीरता से ध्यान देता है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ आपराधिक तत्व के लोग सिग्नल उपकरणों से छेड़छाड़ करने पर उसकी चोरी करने से भी बाज नहीं आ रही हैं। इस बात की जानकारी मिलते ही आरपीएफ पुलिस ने 4 शातिर अपराधों को पकड़ने के साथ ही उनसे चोरी के सभी सिग्नल उपकरण बरामद किए हैं। ये घटना इसी 15 तारीख की है, 15 अक्टूबर की रात की। रात में रिले रूम है, काचेवानी और गंगा झरी दो रेलवे स्टेशन हैं, इनके बीच में एक रिले रूम है जो सिग्नल का, जहां इक्विपमेंट रहते हैं जिनसे रेलवे का ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम चलता है, तो उनको कुछ बॉक्स टाइप के होते हैं, उसमें सिग्नल्स होते हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है रेलवे परिचालन में। तो वहाँ जो हमारे सिग्नल इक्विपमेंट लगे हैं उसका दरवाजे का ताला तोड़कर कुछ नशेड़ी अपराधी रात में वहाँ घुस गए और उन्होंने 41 रिले, जिनमें एक अपराधी के हिसाब से सिर्फ उसमें कुछ तांबा होता है, कुछ एल्युमिनियम होता है, प्लास्टिक होता है, तो उनका जो इंटेंशन था उसको तोड़ के तांबा बेच देना और अपने नशे के लिए उनकी आपूर्ति करना। तो उन्होंने 41 निकाल करके वो चारों एक मोटरसाइकिल में आए, जो बाद में हमें उनसे पूछताछ में पता चला, और वो लेकर के जंगल की तरफ चले गए। जंगल में चार हमें, जब वहाँ हमारी पार्टी ने छानबीन करी तो 4 पीस वहाँ एक झाड़ी में मिले और बाकी पूरा सर्च किया, कहीं कुछ नहीं मिला। तो हमें ये जब सूचना मिली तो हमने यहाँ से 3 टीम फॉर्म अप की, उनमें एक इंटरनल इंटेलिजेंस है जो आम जनता के बीच में रह के इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है, एक टीम वो बनाई, और 2 हमारे क्राइम डिटेक्शन की टीम है, एक गोंदिया की टीम और एक नागपुर की टीम। दोनों टीमों को क्लब किया, उनको वहाँ भेजा, और नागपुर गोंदिया में जो हमारा आरपीएफ पोस्ट है वहाँ की एक टीम गठित की। ये तीनों टीमों को उनके काम पे लगाया। जब काफ़ी मेहनत हुआ, ये हुआ, जब इसका सीरियसनेस लगी तो हमारे उच्चाधिकारियों ने भी, डीआरएम महोदय और हमारे प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त जो हमारे आईजी महोदय हैं, उन्होंने भी हमें आदेश दिया और हमें बताया कि इसमें कुछ इफ़ेक्टिव रिकवरी और अरेस्ट होना लाजिमी है, क्योंकि ये ऐसा तंत्र है जो रेल को परिचालन में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं स्वयं वहाँ जा कर के कैंप किया और टीमों का वो मौका मुआयना किया, और उसके बाद वहाँ के एसपी महोदय से मिला, मिस्टर निखिल, सॉरी, वहाँ पर जो एसपी गोंदिया है उनसे मिला। तो एसपी गोंदिया साहब ने हमें बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने लोकल जो गंगा झरी रेलवे स्टेशन पुलिस स्टेशन, वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनको बोला कि आप जो है इन्हें मदद करें, तो उन्होंने हमें काफ़ी मदद किया और हमें कुछ ऐसे जो शातिर किस्म के चोर थे उनकी जानकारी दी। उन्हीं में से हमने जो एक सस्पेक्ट था उसको उठाया था और कुछ और जगह भी जानकारी की थी, तो हमें धीरे धीरे लीड मिली और हमें जंगल में एक जगह छुपाए हुए उनकी निशानदेही पर एक
जो चोर था इनमें से सलाम शेख, ये चारों जो पकड़े गए हैं, इनमें से एक माइनर है, चारों जो पकड़े गए हैं इनमें से जो पहला है जो सलाम शेख, ये इसका थोड़ा सा इतिहास रहा है, आपराधिक इतिहास रहा है, तो इसी से हमें जानकारी मिली और इसी ने जो है सभी को उकसाया था। पहले इन्होंने शराब पिया और शराब पी के कहीं और नशा करना चाहते थे, गांजा इत्यादि का, तो इन ये वहाँ से गुजर रहे थे तो इनको लगा कि जो है यहाँ कुछ मिल सकता है, तो इन्होंने ताला तोड़ा और वहाँ से ये ले गए। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, 1,00,000 रुपए के लगभग का ये सामान है और पूरा सामान हम लोगों ने बरामद कर लिया है और सारे जो है जो ये हैं आपके अपराधी हैं, अपराधियों को पकड़ दिया है और इनको पेश कर दिया गया है। तीनों को जो है रिमांड पर लिया गया है और जो एक बाल अपराधी है, 16 साल उसकी उम्र है, उसको जुवेनाइल होम में भेजा जाएगा।